अभी देखिए हाथ दे रहे हैं, रुकवाते हैं। पहली बार वंदे भारत, ये देखिए फ्रेंड्स आरा स्टेशन, और ये देखिए फ्रेंड्स वंदे भारत यहाँ पर लग चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। न्यू दिल्ली से चलकर जो पटना को जाती है वंदे भारत ट्रेन, आज फ्रेंड्स आरा में भी रुकने वाली है, क्योंकि छठ पूजा का पावन अवसर है और उसी के भीड़ को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन को और बहुत सारे ट्रेनों को यहाँ पर रोका जाएगा आरा जंक्शन पे और बहुत सारे स्टेशनों पे बिहार के किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आज फ्रेंड्स वंदे भारत आरा जंक्शन पर रुकेगी कि नहीं, आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स पूरा वीडियो। और वंदे भारत आरा जंक्शन पर हमेशा रुकनी चाहिए कि नहीं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अपने आरा स्टेशन पर देखिए फ्रेंड्स वंदे भारत ट्रेन आ गई है, अभी दिखाते हैं। हाथ कर रहा है ना खाली, कुछ बोलिए। पहली बार वंदे भारत, चलिए तो फ्रेंड्स रुकवाते हैं वंदे भारत को हाथ देके। रुक जाना, अभी देखिए हाथ दे रहे हैं, रुकवाते हैं। सुनने में आता है कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये ट्रेन चलती है, लेकिन यहाँ पर तो रफ्तारें नहीं दिख रहा है इसका। रुकेगी कहाँ, आरा जंक्शन है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स वंदे भारत आरा स्टेशन पर रुक चुकी है। वैसे तो हम बहुत काले आ रहे हैं, लेकिन इतने काले हैं नहीं, देख सकते हैं आप लोग। और लोग यहाँ पर उतर भी रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि छठ पूजा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? कहाँ से ट्रेन आ रहा है? हाँ, ट्रेन कहाँ से आ रहा है? न्यू दिल्ली से। वहीं से आएगा। स्टॉप इसका 2 मिनट का होने वाला है, और 2 मिनट रुकने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स अपने आरा स्टेशन से खुल चुकी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देख सकते हैं फ्रेंड्स वंदे भारत जैसी ट्रेन अपने आरा में रुक चुकी है, और इसको हमेशा के लिए यहाँ पर स्टॉपेज कर देना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के अंदर, तो आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, घर पर रहिए, सेफ रहिए।